भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी बड़े एक्टर के लिए ज़रूरी होता है कि वो समय के साथ अपने कंटेंट और एक्ट के साथ एक्सपेरिमेंट्स करता रहे। कई बार बहुत अच्छा कंटेंट भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित होता है। इसीलिए एक एक्टर के लिए ज़रूरी है कि वो अपने रोल्स को बहुत ही कैलकुलेटिवली चूज करे, और इससे भी ज़रूरी है कि वो अपनी आर्ट के प्रति ऑनेस्ट रहे। सैफ अली खान भारत के उन चुनिंदा बड़े एक्टर्स में से एक हैं जिन्होंने अपने करियर के हर कदम पर अपने रोल्स के साथ बहुत ही रिस्की एक्सपेरिमेंट करे। फिर चाहे वो दिल चाहता है कि समीर का किरदार हो या सेक्रेट गेम्स में सरताज सिंह का किरदार, इन्होंने हमेशा कोशिश करी कि वो अपने आर्ट के साथ कुछ नया और न्याय करें। आज की इस वीडियो में हम सैफ अली खान की जिंदगी की पूरी कहानी जानेंगे कि किस तरह से क्रिकेटर के बेटे ने बॉलीवुड में अपना करियर बनाया। सैफ अली खान का जन्म 16 अगस्त 1970 को नई दिल्ली में मंसूर अली खान पटौदी के घर हुआ। सैफ के पिता मंसूर अली खान पटौदी भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके थे और एक उच्च दर्जे के खिलाड़ी थे। सैफ के पिता तो क्रिकेटर थे ही, साथ ही उनकी माँ भी विश्व भर में लोकप्रिय थी। उनकी माँ का नाम है शर्मिला टैगोर और वो एक फेमस फिल्म अभिनेत्री हुआ करती थी। सैफ अली खान के दादा इफ्तिकार अली खान पटौदी भी एक क्रिकेटर हुआ करते थे और वो 1946 के वक्त इंडियन क्रिकेट टीम इन इंग्लैंड का हिस्सा भी थे। सैफ ने हिमाचल प्रदेश के लॉरेंस स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू करी और फिर जब वह 9 वर्ष के हुए तो उन्हें इंग्लैंड के लॉकर्स पार्क स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद सैफ ने वहीं के विंचेस्टर कॉलेज में अपना दाखिला करवा लिया और हायर स्टडीज जारी रखी। आपको बता दें कि सैफ के पिता भी इसी कॉलेज में पढ़ने आए थे। कॉलेज के वक्त सैफ का मन पढ़ाई में कम और दूसरी चीजों में ज्यादा रहता था। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद सैफ वापस इंडिया लौटे और दिल्ली में एक एडवर्टाइजिंग फर्म के लिए काम करना शुरू कर दिया। कुछ समय तक यहाँ काम करने के बाद सैफ एक टीवी एड में भी नजर आए। यही वो मौका था जब सैफ पहली बार एक कैमरा के सामने आए थे और यहीं से उनका कैमरा और फिल्म की तरफ लगाव बढ़ने लगा। उन्हें एक डायरेक्टर ने काम देने का फैसला भी करा, पर वो फिल्म फिर बाद में कैंसिल हो गई। फिल्म कैंसिल होने के बावजूद भी सैफ मुंबई आकर रहने लगे और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में ही अपना करियर बनाने का फैसला करा। सैफ ने मुंबई आकर ही इंडिपेंडेंटली रहना शुरू कर दिया। वो अपनी जिंदगी में बहुत लंबे समय के बाद फोकस्ड महसूस कर रहे थे और इसी फीलिंग ने उन्हें इस इंडस्ट्री में मेहनत करने के लिए एक्साइट कर दिया था। इसके बाद सैफ को फिल्म बेखुदी के लिए कास्ट करा गया। 1991 में इसी फिल्म के सेट्स पर सैफ अली खान अमृता सिंह से मिले। आगे चलकर उन्होंने अमृता सिंह से शादी भी करी। सैफ के पेरेंट्स उनके शादी के फैसले के खिलाफ थे क्योंकि अमृता सिंह सैफ अली खान से 12 साल बड़ी थी और उस वक्त सैफ सिर्फ 21 साल के थे। 1992 में दोनों ने शादी करी और उनके दो बच्चे भी हुए, जिनमें से एक रही सारा अली खान जो कि आज खुद भी एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। सैफ ने 1993 में फिल्म परंपरा से अपना बड़े पर्दे पर डेब्यू करा। सैफ का डेब्यू एक हिट साबित नहीं हो सका क्योंकि उनकी फिल्म को बड़ी ऑडियंस ने एक्सेप्ट नहीं करा था। इसके बाद सैफ ने दो और फिल्मों में काम करा, पर दुर्भाग्यवश उनकी ये दो फिल्में भी फ्लॉप ही रही। सैफ को फिर दो ऐसी फिल्मों में काम करने का मौका मिला जो उनके करियर को डिफाइन करने वाली थी। ये दो फिल्में थी यह दिल लगी और मैं खिलाड़ी तू अनारी। इन फिल्मों में सैफ अली खान अक्षय कुमार के साथ दिखे और दोनों की जोड़ी ने देश भर से खूब तारीफें बटोरी। मैं खिलाड़ी तू अनारी के लिए सैफ को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट करा गया। इन दोनों फिल्मों ने सैफ को देश भर में एक जाना पहचाना चेहरा बना दिया था। इसके बाद इनका फिल्म इंडस्ट्री में सफर कुछ डगमगाया सा नजर आया। उन्होंने 9 फिल्मों में काम करा, पर उनमें से एक भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल ना कर सकी। उनके करियर की गिरावट को उनकी अगली 4 फिल्मों ने रोका। चारों फिल्में एक के बाद एक सुपरहिट रही। इन फिल्मों के नाम हैं मुंबई मेरी जान, कच्चे धागे, आरजू और हम साथ साथ हैं। बॉलीवुड में अब तक सैफ 15-20 फिल्मों में काम कर चुके थे, पर अभी भी वो फिल्म जिसके लिए वो अब तक जाने जाते हैं आनी बाकी थी। फिल्म का नाम था दिल जाता है और सैफ के किरदार का नाम था समीर। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस से लेकर क्रिटिक्स के बीच तक हर जगह सफल रही, और इतना ही नहीं बल्कि इस फिल्म को नेशनल फिल्म अवार्ड भी दिया गया। आपको इस फिल्म से जुड़ा हुआ एक फन फैक्ट बता देता हूँ कि जब फिल्म के डायरेक्टर फरहान अख्तर पहली बार सैफ के पास इस आइडिया को लेकर गए थे तो सैफ ने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। वो तो बाद में इंडस्ट्री के दूसरे कुछ एक्टर्स ने सैफ को इस फिल्म में काम करने की सलाह दी, जिसे मानकर सैफ ने ये फिल्म साइन करी।
कहा जाए तो उनके उस डिसीजन ने ही देश की एक पूरी जनरेशन को एक ऐसी फिल्म दी जिसने दोस्ती की खूबसूरती को बहुत नजदीकी से दिखाया। इस फिल्म में इनके साथ जो दूसरे एक्टर्स थे वो थे आमिर खान और अक्षय खन्ना। इसी के कुछ साल बाद 2004 में उनके और उनकी वाइफ अमृता सिंह के बीच डिफरेंसेस बढ़ने लगे और उन्होंने शादी के करीब 13 सालों के बाद डाइवोर्स ले लिया। इसी वक्त पर उनकी फिल्म कल हो ना हो भी रिलीज हुई, जिसने दिल चाहता है की तरह ही इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ सैफ के करियर को भी रेवोल्यूशनाइज करा। इसके बाद सैफ ने कंसिस्टेंटली कई फिल्में करी जिनमें से कई हिट तो कई फ्लॉप साबित हुई, पर आखिर में वो एक मेनस्ट्रीम बॉलीवुड एक्टर बन चुके थे जिनकी झोली में कई हिट फिल्में थी। सैफ की पर्सनल लाइफ की ओर रुख करा जाए तो 22 सितंबर 2011 को उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद सैफ को पटाउदी का 10वां नवाब बनाया गया। और साथ ही इसी समय पर सैफ और करीना कपूर का रिलेशनशिप पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था। उन्होंने अपने इस रिलेशनशिप को शादी में बदला 16 अक्टूबर 2012 को। सैफ अली खान और करीना कपूर का साथ में एक बेटा भी हुआ जिनका नाम है तैमूर अली खान। सैफ अली खान ने अपने करियर के इस फेज में कॉकटेल, रेस और एजेंट विनोद जैसी हिट फिल्मों में काम करा। कुछ साल बीते और फिर इंडियन सिनेमा ने एक नया चेहरा अपनाया जिसमें वेब सीरीज और इंडी फिल्मों के चलन को बढ़ावा मिला। सैफ ने खुद को इस बदलाव में ढालते हुए नेटफ्लिक्स की सीरीज सेक्रेट गेम्स में सरताज सिंह का किरदार निभाया जिसने देश भर की ऑडियंस से तारीफें बटोरी। सैफ अली खान अभी हाल ही में लाल कप्तान नाम की फिल्म में भी नजर आने वाले हैं जिसमें उनका रोल होपफुली सिनेमा के लिए नई बाउंड्री सेट करेगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी बॉलीवुड के सफल एक्टर सैफ अली खान की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। और आप सैफ की आने वाली फिल्म लाल कप्तान के बारे में क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल की ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और इसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। धन्यवाद।